टॉपिक रिफ्रैक्शन, आज हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, दिस इज द लाइट सोर्स, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट ए पॉइंट पी, ये ड्रॉ ए नॉर्मल नॉर्मल एल वन एंड दिस इज द रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम यानी एयर है और ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम मीडियम और ये अब यहाँ से एक्चुअल में रे यदि यहाँ पर ग्लास नहीं होता तो यहाँ से रे ऐसे सीधा जाता, बट यहाँ रेयर से डेंसर में आएगा टुवर्ड्स रे, रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। फिर यहां पर इस पॉइंट पर रे इंसिडेंट करेगा, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल आर वन, अनदर रिफ्रैक्टेड एंगल आर टू एंड अनदर नॉर्मल एन टू, एन टू एन दिस इज द रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल यानी डेंसर से रेयर में इंसिड जब जाएगा तो नॉर्मल से अवे, रे ए अवे अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, आई दिस इज द आई वन, दिस इज द आई टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आई वन इज इक्वल टू आई टू एंड आर वन इज इक्वल टू आर टू। जनरली मोस्ट ऑफ बुक्स रिटन इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू इमर्जेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे, जेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, जेंट रे। अब इस सेम इसी का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंट रेडी है, इसमें कुछ दिख रहा है ना, देखिए इस जिस एंगल पर अब इसको देखिए अंदर से, देखिए रेयर से डेंसर में जब जरा हल्का देखेंगे, देखिए यह एंगल पर देखिए देख रहे हैं ना, जिस एंगल पर यह इसमें अच्छे से दिख रहा होगा आपको सेम, देखिए जिस एंगल पर हमने
यहाँ देखिए ये, ठीक है दिख रहा है, तो जैसे इधर से आइए, इधर से देख सकते हैं, ठीक है ये रे का डायग्राम है। फिर इसके बाद सेम जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा उसी पर इमर्जेंट होगा, ठीक है ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट हम प्रिज्म का, इसको हम एक्सप्लेन थोड़ा और पॉज कर, थ्रो प्रिज्म, रिफ्लेक्शन थ्रो प्रिज्म, ठीक है दिस इज द प्रिज्म, ठीक है दिस इज द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स ए रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, दिस सरफेस, ठीक है ड्रॉ ए नॉर्मल एन वन एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है इस रे को डायरेक्ट ऐसे जाना चाहिए था बट यह रेयर मीडियम है और यह डेंसर मीडियम, तो यह नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा तो यह ऐसे बेस के पैरेलल, अप्रोक्सीमेट बेस के पैरेलल जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है यहाँ पर इसको पीछे बढ़ाएंगे और यह यदि सेम इधर भी ग्लास में होता तो यह सीधा ऐसे जाता, बट यहाँ ग्लास नहीं है तो यह नॉर्मल से हल्का बेंड हो जाएगा, अवे हो जाएगा, अवे तो यह पार्ट, तो एग्जैक्ट मतलब रे यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे आया, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट दिस इज द देखिए थ्री इमेज बन रहा है, दिख रहा है ओके लाइट, ठीक है समझ में आया सेम ये दिस इज द प्रिज्म, यहां से लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं इस पर, अभी लाइट ऑन है यहां, ठीक है यह प्रिज्म से किसी भी एंगल पर हम इंसिडेंट करेंगे और ये नेक्स्ट सेम प्रिज्म को हम एक वाटर सिस्टम में डिप कर देते हैं, ये वाटर है और इसमें इसी प्रिज्म को रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, व्हेन ए प्रिज्म प्लेस इनटू वाटर, इस प्रिज्म को हम वाटर में रख देते हैं तब क्या होगा, दिस इज द लाइट सोर्स, दिस इज द लाइट सोर्स, यहां पर ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स यहां से इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इसको P ले लिया, P पॉइंट पर रे इंसिडेंट कर रहा है, इस पर नॉर्मल N1 ड्रा आ गया और यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में I1 एंगल, और नेक्स्ट यहां से ये सीधा इस पाथ पर को फॉलो करना चाहिए, इस पाथ को, बट यहां पर वाटर है, ये वाटर इस टब में वाटर भरा गया है और ये वाटर से क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ हल्का बेंड हो जाएगा, दिस पाथ फॉलो और इन वाटर, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड एंगल एंड अनदर पॉइंट Q R S, सेकेंड इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन ए पॉइंट Q, ड्रॉ ए अनदर नॉर्मल N2 एंड इंसिडेंट रे फॉर्म I2,
इस रे को डायरेक्ट ऐसे जाना चाहिए था, बट यहाँ पर ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, दिस इज द आर टू रिफ्रैक्टेड एंगल, और फिर यहाँ तक आएगा, पॉइंट आर पर पहुंचेगा, आर पर एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N3, और इस रे को डायरेक्ट इस पाथ पर को फॉलो करना चाहिए था, बट यहाँ पर वाटर है, और वाटर है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, डेंसर टू रेयर में जा रहा है, दिस पाथ फॉलो यहाँ पर पहुंचेगा रे यस पर, यस पर ये इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N4, और N4 ये सीधा रे इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट इन डेंसर टू रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा दिस पाथ। तो एक्चुअली में होल सिस्टम में रे यहां से इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, दिस इज द होल सिस्टम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, व्हेन प्रिज्म प्लेस्ड इनटू व्हेन प्रिज्म प्लेस्ड इनटू वाटर, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अ रे डायग्राम।